अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी बच्चियों की सिंपल सी पोनियों को डिज़ाइन करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बनने के बाद बहुत स्टाइलिश लगेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने स्टॉकिंग जो हमारी वायर होती है वो ले ली है। ये वायर डिफरेंट नंबर्स में आती है, तो ये जो दो नंबर वायर होती है वो हमने ली है, यहाँ पे यूज़ की है, तो वो ले लेंगे और उसको इतना सा कट कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी जरी की शॉप से आप ले सकते हैं इसको स्टॉकिंग वायर के नाम से। इसके अंदर हम लोग तकरीबन 6 ये सिल्वर कलर के मोती डाल लेंगे। अगर आप किसी और कलर के मोती लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो 6 मोती इस तरीके से डाल के इस वायर को इस तरीके से हम लोग टर्न करेंगे। इस वायर की खास बात यही है कि आप इसको मूव करके किसी भी शेप में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से गोल करके इसको रोल कर लेंगे। ये हमने जो बीड्स का एक खूबसूरत सा यहाँ पे फ्लावर बनाना है, तो इसलिए हम लोग वायर को इस तरीके से घुमाएंगे और एक साइड इसकी वायर की इसके दरमियान से बिल्कुल गुजारेंगे, और किसी भी कटर की मदद से भी आप इसको इस तरीके से रोल कर सकते हैं और इस तरीके से इसके बिल्कुल दरमियान से गुजारेंगे। ये देखें एक इसकी वायर को, और इसके अंदर से अंदर भी एक बीड्स डालेंगे, एक मोती अंदर की तरफ भी डालेंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा फ्लावर बीड्स का रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें इसके अंदर भी डाल लिया। अब इस वायर को एक साइड पे हम लोग करके अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसको गोल गोल घुमा के बस आप लोगों ने इसको लॉक करना है। ये छोटा सा कटर आप ले सकते हैं, आपको ये भी किसी भी जरी की शॉप से इजीली अवेलेबल होगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद हमने इसको कट कर दिया है, और अब हमारा ये छोटा सा रेडी हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहा है, इसको हम रख देंगे साइड पे। अब हमने ले ली है एक टिशू, जो टिशू की एक कपड़ा ले लिया है टिशू वाला, और इस तरीके से उसकी जो चौड़ाई तकरीबन ली है वो तकरीबन 2 इंच ली है, और जो लंबाई ली है वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। इस कपड़े की जो लंबाई ली है वो 31 इंच ली है, और इस तरीके से आपने इसको डबल कर लेना है, और डबल करके इसको आयरन करके अच्छे से क्रीज लगा लेनी है। अगर आप इस टिशू के फैब्रिक का बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा फ्लावर, लेकिन अगर आप किसी और फैब्रिक का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक साइड से इस तरीके से इसके कॉर्नर को कट करेंगे, और किसी भी लाइटर की या किसी भी फायर की मदद से आप इसको लॉक कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमने इसके जो थ्रेड को लॉक कर लिया है। अब एक तरफ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सुई में सिंगल तार धागा डाला है, उसके बाद हम लोग कच्चे टांके इस तरीके से उठाते जाएंगे और इसको कर लेंगे स्टिच इस तरीके से। याद है कि जो बंद वाली साइड थी इस कपड़े की, वहां से हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया है। जो खुली वाली साइड है इसको डबल करने के बाद उस तरफ से नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से कच्चे टांके उठाते जाएंगे और इसको पूरा इस तरीके से स्टिच कर लेंगे हाथ से। इसको पूरा बहुत अच्छे से कच्चे टांके उठाते जाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे यहाँ पे, ताकि इसमें बहुत ही क्यूट सी चुन्नट्स बन जाए। ये जो टिश्यू की स्ट्रिप्स होती हैं, ये आजकल किसी भी जरी की शॉप पे भी अवेलेबल होती हैं, किसी भी कलर में आप ले सकते हैं ये टिश्यू की स्ट्रिप्स। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है अलग से लेना, अगर आप ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना चाहते किसी शॉप पे जाके तो ये स्ट्रिप्स भी इतने साइज में अवेलेबल होती हैं, तो वो लेके आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस तरीके से फ्लावर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको एक कॉर्नर से स्टार्ट किया है और दूसरे कॉर्नर तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से दूसरे कॉर्नर तक हमें इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे धागे को लॉक नहीं करना, लॉक करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे इसकी सारी चुन्नट्स को एक जगह पे इक्वली इकट्ठा करना है हाथ की मदद से, कुछ इस तरीके से।
ये देखें इस तरीके से इसको इक्वल करते जाना है और आगे की तरफ एक साइड पे इसको इकट्ठा करते जाना है सारी चुन्नट्स को। यहाँ पे देखिए जब सारी आप एक इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसकी सारी चुन्नट्स को, उसके बाद यहाँ पे आपने धागे को लॉक करके फिर कट करना है। यहाँ पे देखिए हमने इस धागे को कट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल हो गई है इसकी सारी चुन्नट्स। और अब हमें इससे फ्लावर रेडी करना है। उससे पहले हमने बुकरम का एक पीस ले लिया है सर्कल में, और इसकी तकरीबन चौड़ाई हमने ली है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर हम लोग रख के अगर आप इंचीज में लेना चाहते हैं तो 1 से 1.5 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पे इससे ग्लू गन से ग्लू लगाते जाएंगे और इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर इस तरीके से लगाते जाएंगे और इसको राउंड में इस तरीके से इस फ्लावर को पेस्ट करते जाएंगे। हमें इस फ्लावर को बहुत ही खूबसूरत शेप में बनाना है। अब एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप करते जाएंगे और साथ साथ ग्लू लगाते जाएंगे और साथ साथ इसको पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरे जितना भी हमारा ये जो जो टिश्यू था उसको इस तरीके से उसकी सारी चुन्नट्स को ओवरलैप कर लिया है ग्लू की मदद से, और इस तरीके से हम लोग इसको ओवरलैप कर देंगे सारे को और ग्लू की मदद से आप एंड पॉइंट तक इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर हो जाएगा रेडी। अब हमने जो बीड्स का जो हमने रेडी किया था उसका जो बीड्स का जो छोटा सा फ्लावर रेडी किया था इसके बिल्कुल मिड में हमने वो पेस्ट करना है। उसके लिए हम लोग बिल्कुल मिड में पहले ग्लू लगाएंगे और उसके बाद हम उसको भी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखें इसको भी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे और ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर हो चुका है रेडी। इसको इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर लेंगे और एक रबर बैंड ले लेंगे, कोई भी बैंड जो आपके पास अवेलेबल हो उसको इस तरीके से पीछे बुकरम पे इसके साथ पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा, आप इस कोई भी क्लिप भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई पिन भी पेस्ट कर सकते हैं इस पर, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं इस फ्लावर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्राई किया है अपना बहुत ही आसान मेथड और बहुत ही क्यूट लग रही थी ये बनने के बाद। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेथड कैसा लगा आपको और आपकी बनने के बाद कैसी लग रही थी। यहाँ तक वीडियो देख लिया लाइक किए बिना बिल्कुल मचाइएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मचाइएगा। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।